हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं एनालॉजी का मतलब, इसके प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि एनालॉजी वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले एनालॉजी की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। A-N-A, अना, L-O में O साइलेंट होता है, ल जी वाई जी, एनालॉजी। एनालॉजी को हम एनालॉजीज भी कहते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है इफ यू मेक और ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन टू थिंग्स यू शो दैट दे आर सिमिलर इन सम वे। यदि आप दो चीजों के बीच में एक सादृश्य यानी एनालॉजी बनाते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि वे दोनों किसी तरह समान हैं या उनमें कुछ समानताएं हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं विद द वर्ड एनालॉजी। Analogies between human and animal behavior. Analogies between human and animal behavior. मानव और पशु व्यवहार के बीच समानताएं. Yes, this analogy is interesting. Yes, this analogy is interesting. हाँ, ये समानता दिलचस्प है. He drew an analogy between the brain and a vast computer. He drew An analogy between the brain and a vast computer. उन्होंने मस्तिष्क और एक विस्तृत कंप्यूटर के बीच एक सादृश्य बनाया। I see no analogy between your problem and mine. I see no analogy between your problem and mine. मुझे आपकी और मेरी समस्या के बीच कोई समानता नहीं दिखती। आइए हम analogy शब्द के synonyms या समानार्थ शब्द देख लेते हैं। Similarity, समानता होना, correspondence, अनुरूपता, resemblance, प्रतिरूप, metaphor, रूपांतर। वहीं analogy के antonyms या विलोम शब्द या opposite words हैं, unlikeness, असमानता, disagreement, बहस हो जाना, big difference, बड़ा अंतर होना, diversity, विविधता। तो simple शब्दों में analogy का मतलब होता है तुल्यता, समरूपता, समानता, सादृश्य, किसी चीज में समानताएं होना या कुछ एक सा होना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप एनालॉजी शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।